रजीश, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। वैसे तो आप बताओगे नहीं, थोड़ा बहुत कैसा रोल है आपका? आपने कहा आपने आपको चॉकलेटी रोल नहीं करना है, वह नहीं बनना है, तो कैसा रोल है इसमें आपका? जी मैं मेरे कैरेक्टर का नाम है अर्जुन सिंह राठौड़ और ये लीजा से प्यार करता है, एक एंग्लो इंडियन लड़की, हिंदू परिवार से है, आर्किटेक्ट है, पढ़ा लिखा आदमी है 1920 का। और ये दिखाते हैं कि प्यार के लिए इनकी कैसे फैमिली से लड़ाई होती है, फिर कैसे भगवान से इनका थोड़ा झगड़ा होता है और आगे कैसे एक स्टोरी एक हॉरर फिल्म में टर्न होती है। तो यही है नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये स्क्रिप्ट मैंने सुनी तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और आई एम श्योर जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। के बारे में क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, टचू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो मतलब सारे सीन अच्छी तरह किए गए हैं और कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा वाकया सेट का जो याद आ गया अभी, 1920 हॉरर फिल्म है, ऐसी कोई वाकया जो याद? जी आई थिंक मेरी पहली फिल्म है तो पूरी फिल्म भी रोज़ एक एक दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यादगार रहेगा। बट मेरा पहला दिन जो था शूट का, तब ऑब्वियसली मैं मॉडलिंग से एक्टिंग में कदम रख रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा नर्व रैकिंग था, बट जब मैंने एक बार डायलॉग बोलना शुरू किया तब ठीक हो गया। इससे पहले भी कई मॉडल्स सभी लोग आ चुके हैं मॉडल्स एक्टिंग की दुनिया में, किसको आप देखते हैं, आइडल तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन एक्टर्स में अमिताभ बच्चन जी हैं, आमिर खान हैं, ऋतिक रोशन हैं, शाहरुख खान हैं, सारे ही हैं। राखी सावंत, राखी बहुत ही एनर्जेटिक हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बहुत ही अच्छी लड़की है, आई थिंक उनके लिए काम ही सब कुछ है। और आई थिंक इस पिक्चर में उनका होना बहुत अच्छी बात है, मतलब एक आइटम सॉन्ग हमें बहुत ही अच्छा मिला है जो कि एक अच्छी ब्रेक है उस टर्न पे जहाँ पे मूवी आती है। राखी ने आपको कुछ टिप्स तो ज़रूर दिए होंगे कि रजनीश ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, कोई एक दो टिप्स? नहीं, उन्होंने बस ये टिप दी थी कि अपनी पीआर थोड़ी स्ट्रांग रखिए और बाकी कुछ नहीं है। आई थिंक हर एक से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उनसे मैंने यही सीखा कि आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए और मेहनत पूरी करनी चाहिए बस। 1920 की फिल्म है, कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करना उस पीरियड में जाना मुश्किल रहा होगा, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या क्या तैयारियां की एज एक्टर आपने? पूरा सेट ही उस मतलब पूरा हमारा जो क्रू था वो सारा उसी टाइम में चले गया था, जब हम शूट करने से लगभग 5-10 दिन पहले ही हम लोग स्क्रिप्ट सुनते थे और जिस हिसाब से सीन वगैरह सबके दिमाग में बैठ चुके थे, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। डेफिनेटली थोड़ी रिसर्च गई है कपड़ों में और फिर बॉडी लैंग्वेज में, उस टाइम पे क्या होता था, मतलब एक बंदा कैसे अपने आप को कैरी करेगा या कैसे एक डायलॉग में वेरिएशन आए, वो सब डेफिनेटली किया गया है। और बाकी आप लोग आई थिंक देख के ही बताएंगे। विक्रम भट्टी के बारे में क्या कहना चाहिए, ऐसे डायरेक्टर सीन को समझाना या कुछ बताना या कभी गुस्सा, न्यूकमर है तो डांट मारना? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उनको आज तक कभी गुस्सा नहीं आया और मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि न्यूकमर्स के साथ काम करने के बावजूद इतने काम हैं और इतने कंपोज्ड हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू। मेरे को कैलाश खेर का गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, गाऊंगा नहीं मैं लेकिन मतलब उसकी स्टार्टिंग ऐसी है, तुझे मैं प्यार करूँगा, सुर में भी नहीं हूँ लेकिन वो मेरा फेवरेट गाना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू।